और अब इस वक्त ही देखिए 50 बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा आज दांव पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में डाला वोट। वोट डालने के बाद उन्होंने लोगों से विकास के नाम पर वोट डालने की अपील। सीएम योगी ने कहा, जनता जनार्दन में उत्साह है, ये आम लोगों की जागरूकता का परिणाम है और जनता अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। हम 80% से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बीजेपी रिकॉर्ड बनाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनावी मैदान में हैं और पूरा का पूरा जो ध्यान है बीजेपी का वो इसी चीज पर है कि योगी इतिहास रचे, यहाँ पर रिकॉर्ड मतों के साथ जीत कर सामने आए, जहां अमित शाह ने पूरी ताकत झोंकी हुई है योगी जी को जिताने की। और गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और जीत की कामना की। उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बलिया में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। दौरान मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि बीजेपी पूरी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही है। इस बार बीजेपी को 350 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार सतीश चंद्र द्विवेदी ने सिद्धार्थनगर में मतदान किया और लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाई। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने सिद्धार्थनगर में मतदान किया। वोट देने के बाद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, मेरी सबसे अपील है कि मतदान करें। तो बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने एक बार फिर जनता से अपील की है कि आप वोट डालने जरूर जाएं और अपना जो कर्तव्य है उसको अदा करें। बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने गोरखपुर में मतदान किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मैंने अपना वोट दिया, बीजेपी 300 के पार जाकर अपनी सरकार बनाएगी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने गोरखपुर में मतदान किया और लोगों से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा, एनडीए गठबंधन 300 से ज्यादा सीट लेकर सरकार बनाएगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी में अब की बार बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार शुभावती शुक्ला ने वोट डाला। सपा ने शुभावती शुक्ला को सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में उतारा है। शुभावती शुक्ला, जिनके जो पति थे वो बीजेपी का एक हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये इनको उपचुनाव में उतारा गया था और तब ये कहा गया कि इन्हें जानबूझ के हराया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह ने कुशीनगर में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने जीत का वादा किया। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि हम गोरखपुर मंडल की सभी 9 सीटें जीतेंगे। पूर्वांचल क्षेत्र में मतदान ऐतिहासिक होगा, बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से छठे चरण में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का उत्सव आज अपने छठे चरण में प्रवेश कर चुका है, सभी मतदाता वोट जरूर डालें। गृहमंत्री अमित शाह ने यूपी के मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्त एक सशक्त सरकार ही उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकती है। तो उन्होंने आज ट्वीट कर यह अपील की कि सभी वोट करें और भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्त सरकार को लेकर आए। उनका इशारा साफ तौर पर सपा की तरफ था। उधर सीएम योगी ने सभी लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, आपका एक एक वोट अमूल्य है, आपका हर एक वोट उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश को प्रगति की नवीन दिशा देने में कामयाब रहेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोगों से छठे चरण में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, मैंने अपना मतदान किया, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सभी मतदाताओं से अपील है कि बड़ी संख्या में वोट करें। बलिया नगर से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने सपा प्रत्याशी नारद राय पर
गंभीर आरोप लगाया। दयाशंकर ने कहा कि जेल में बंद कुख्यात माफिया के लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने कहा कि हार की बौखलाहट से नारद राय हताहत हैं। बीजेपी पिछले 5 चरण में ही चुनाव जीत चुकी है, उनके काफिले पर जानलेवा हमला किया गया, सुरक्षा की वजह से जान बची। तो आपको बता दें, सपा के प्रत्याशी हैं जिनके कारवा पर हमला किया गया था और उनका कहना है कि विरोधियों ने जाल रचा है। पीएम मोदी ने विश्व के लिए मेक इन इंडिया पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया भारत को विनिर्माण शक्ति के रूप में देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता है। जब इतने बड़े संकट सामने होते हैं और परिस्थितियां बदलती हैं, तो मेक इन इंडिया की जरूरत पहले से ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत ना तो कभी प्रगति कर पाएगा और ना ही हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। पीएम ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों, चिकित्सा उपकरणों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे सकते हैं। उद्योगों को अपने उत्पादों के विज्ञापनों में वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के बारे में बात करनी चाहिए। मेक इन इंडिया को लगातार प्रमोट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी उत्पन्न किया जाए। यूएनजीए में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित, खिलाफ पड़े 141 वोट और समर्थन में केवल 5 वोट, भारत ने नहीं लिया वोटिंग में हिस्सा। और रूसी गोलाबारी के बाद ओख्तिरखा और खारकीव सहित यूक्रेन के कई शहरों और कस्बों को भारी नुकसान। खारकीव में रूसी हमलों ने कम से कम 3 स्कूलों और खारकीव के अनुमान कैथेड्रल को निशाना बनाया। युद्ध के 8वें दिन रूस का हमला और तेज, खेरसान पर रूस की सेना का पूरी तरह से कब्जा। खेरसान और खारकीव में लगातार हो रहे धमाके। यूक्रेनी पोर्ट पर मौजूद बांग्लादेशी जहाज भी रूसी मिसाइल अटैक की चपेट में आया, इसमें एक क्रू मेंबर की भी मौत की खबर है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रूसी अटैक की जद में एक बांग्लादेशी जहाज आ गया है जो कि पोर्ट पर खड़ा हुआ था। खबरों के मुताबिक एक क्रू मेंबर की भी इस हमले में मौत हुई है। उधर यूक्रेन के लिए भारत से खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। वायुसेना के विमान से पोलैंड यूक्रेन के लोगों के लिए जो खाद्य सामग्री है वो भेजी जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएन का बयान, 7 दिन में अब तक 10 लाख यूक्रेन के लोग देश से बाहर निकले। कनाडा ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र में 10 लोगों पर लगाया प्रतिबंध, साथ ही यूक्रेन को और सहायता प्रदान करेगा। प्रतिबंधित लोगों में 2 रूसी ऊर्जा कंपनियों के लोग शामिल हैं। यूक्रेन से भारतीय छात्रों का लगातार वतन वापसी का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत C-17 ग्लोब मास्टर से बड़ी तादाद में भारत लौट रहे हैं छात्र। एयरफोर्स के पहले विमान में 200 लोग भारत पहुंचे। तो लगातार भारत वापसी का जो सिलसिला है यूक्रेन से छात्रों का, वो लगातार जारी है। अब C-7 ग्लोब मास्टर जो एयरफोर्स का प्लेन है उसको भी इंक्लूड किया गया है इस ऑपरेशन गंगा में। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। पोलैंड से भारतीय वायुसेना के 30वें विमान में 208 नागरिक वापस लौटे। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर भारतीय वायुसेना का 4था विमान बुखारेस्ट से हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने छात्रों का स्वागत किया। सच्चाई हमारी तरफ है, जीत हमारी होगी, यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास होने पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, उन्हें देश की वीरतापूर्ण प्रतिरोध पर गर्व है। कीव ने मॉस्को की डरपोक योजना को नाकाम कर दिया।
लगातार जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट हैं वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए हमें नजर आ रहे हैं और लगातार जब भी वो मीडिया के सामने या फिर दुनिया के सामने आते हैं उनका मनोबल बढ़ाने की भी सभी कोशिश करते हैं और लगातार वो यही कह रहे हैं कि हमारी सच्चाई ही हमारा हथियार है। युद्ध में तबाह हो रही यूक्रेन ने बड़ा दिल दिखाया है। युद्ध में पकड़े गए रूसी सैनिकों की माताओं को निमंत्रण दिया है, कहा अपने लड़कों को ले जाओ। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा मॉस्को यूक्रेन के गैर सैनिकरण को प्रतिबद्ध, यूक्रेन में तैनात नहीं किए जाने वाले हथियारों की जारी करेगा लिस्ट। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इशारों में तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है, कहा अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो नतीजे होंगे बेहद खौफनाक। यूक्रेन पर हमले के एक हफ्ते बाद अमेरिका पूरे जोश में, बेलारूस और रूस के डिफेंस सेक्टर पर लगाया बैन। तो लगातार सैंक्शंस का दौर जारी है, बेलारूस और रूस के डिफेंस सिस्टम पर अब सैंक्शन लगाया गया है, बैन लगाया गया है। दरअसल बेलारूस जो है वो रूस की मदद कर रहा है, बेलारूस की धरती का इस्तेमाल मिसाइल के हमले के लिए भी किया गया था, बेलारूस से एक मिसाइल भी फायर की गई थी यूक्रेन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध नहीं है, ऑफ द टेबल। यूएन में यूक्रेन के राजनयिक का रूस पर बड़ा आरोप, कहा रूस यूक्रेन में नरसंहार करने में जुटा हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा यूक्रेन में युद्ध विराम की राजनयिक कोशिशों का अमेरिका करेगा समर्थन। रूस यूक्रेन वार्ता से पहले रूसी मध्यस्थ का बड़ा बयान, कहा बातचीत में युद्ध विराम होगा मुख्य एजेंडा। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास जोरदार धमाका, रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन की फौज ने उड़ाया पुल। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो है कीव के अंदर घुसती चली जा रही है रूसी सेना और उसको रोकने के लिए हमने देखा कि पहले भी तीन पुल यूक्रेनी सेना ने उड़ाए थे, एक बार फिर बड़ा धमाका कीव के बाहर सुनाई दिया है। कीव के एक और बड़े पुल को यूक्रेनी सेना ने खुद उड़ा दिया ताकि जो रूसी सेना है उसको अंदर आने से रोका जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों की रात भर कई शहरों पर गोलीबारी की है, खार्किव में जबरदस्त जंग चल रही है। यूक्रेन के समर्थन में पोलैंड, बाल्टिक और मोल्डोवा का दौरा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। आर्थिक बैन के बीच रूसी धन कुबेर रोमन अब्रामोविच का फैसला, 3 बिलियन में बेची इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम चेल्सी। रूसी हमले में खार्किव के 21 लोगों की मौत, 112 घायल, खार्किव के क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ओलेग ने दी जानकारी। तो अब लगातार यूक्रेनी नागरिकों के भी मरने की तादाद बढ़ती चली जा रही है और खार्किव में जिस तरह से जमीनी आमने सामने की जंग अब चल रही है, ऐसे में आम नागरिकों की मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। यूक्रेन के लोगों की मदद को आगे आया WHO आपात स्थिति के लिए पूछी दवाई है।